आज हमारा केस स्टडी है LAH329P। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़क दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक बहुत दिन के बाद एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल केस स्टडी एक है, दो चीज़ सिखाऊंगा आज, एक हुनर भी सिखाऊंगा और एक ज़िंदगी का एक एक क्या बोलते हैं, एक लेसन, एक सबक भी सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। उससे पहले मेरे को बच्चे पूछते हैं, सर आप हर वीक प्रैक्टिकल केस स्टडी कहीं को नहीं डालते अगर क्या? मैं बोला, रिसेंटली मेरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप हुआ, जो भी मेरा डीवीडी देखते हैं वो बेंगलुरु को प्रैक्टिकल वर्कशॉप देखने के लिए आते हैं। जैसे कि अभी भी यहाँ बैच में पूरे बैठे हैं, रिजवान बैठे हैं कोटा राजस्थान से, इरफान बैठे हैं बूंदी राजस्थान से, सुदीप रिजाल बैठा है नेपाल से, मेरे पीछे सूरज तमराकर बैठा है अलाहाबाद से। ये सब प्रैक्टिकल वर्कशॉप के लिए आए हैं, ये भी सीख रहे हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप में लाइव कस्टमर के बोर्ड में करता हूँ। और यही जो कस्टमर बोर्ड्स है, जैसे कि ये बोर्ड्स कस्टमर का बोर्ड है, इसको इनके हाथ में देता हूँ और इसका डर निकालने का बोलता हूँ। चाहे वो SOC हो, चाहे वो CPU PGA हो, या हब आर्किटेक्चर हो, पूरा कस्टमर का लैपटॉप ओपन करना, डिसअसेंबल करना, चेक करना और रिपेयर करना, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के जाना, डर बाहर निकालना, तभी क्या है बच्चे सीखते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिकल वर्कशॉप का तरीका कुछ अलग है। लेकिन हर बच्चों को भी इतना जल्दी सीखने नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। कोई जल्दी सीखते हैं, कोई धीरे सीखते हैं, कोई वक्त आने के बाद सीखते हैं। तो इसी प्रैक्टिकल वर्कशॉप में एक बच्चे ने पूछा, सर हर वीक आप केस स्टडी क्यों नहीं डालते हैं? पूरे इंडिया में इतने एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, इतने केस स्टडीज डालते हैं, आप क्यों नहीं डालते हैं करके? मैं बोला, यूट्यूब में दो तरीके का केस स्टडी आता है। मैं भी बशीर भाई डिस्कस कर रहे थे, तो बशीर भाई ने मेरे को भी बताया, यही मैसेज आपको मैं बता रहा हूं, दो तरीके का केस स्टडी यूट्यूब में आता है। पहला, ऑलरेडी बनाया हुआ बिरयानी, मतलब आपको जो बिरयानी खिलाना है वही कंपोनेंट शिफ्ट करके रहेगा और आपको एक केस स्टडी जैसा बना के आपको दिखाएंगे। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन क्या है, सेम प्रॉब्लम आपके टेबल में कभी नहीं आएगा। क्यों? वो ऑलरेडी बनाया हुआ था, इट वॉज अ मैनिपुलेटेड केस स्टडी। तो सेम प्रॉब्लम आपका आने के लिए क्या चांस है? किसी का भी हिस्ट्री उठा लो, उनका जो केस स्टडी का रिजल्ट है, क्या आपके टेबल में सेम पोजीशन पे सेम कंपोनेंट को चेंज करने के बाद रिजल्ट आया क्या? अपने आप को सवाल करो, अगर नहीं आया वो केस स्टडी पतंजलि है। करेक्ट? तो इसको बोलते हैं बना बनाया हुआ। ऐसे तो मैं रोज डाल सकता हूं, 100 1000 केस स्टडी डाल सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस का 1000 केस स्टडी डाल सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, प्रमोशन। हमारे को भटकाना नहीं है बच्चों को, फुसलाना नहीं है बच्चों को। हम उस्तादों का जिम्मेदारी है खानदों पे कि बच्चों को बनाना है, क्या हुनर देके बनाना है। ये है हुनर, हाथ में बोर्ड देना, रिपेयर करने के लिए बोलना। आज एक केस स्टडी वैसा ही आया, एक कस्टमर का बोर्ड आया, मैं बोला तू इसका डरने का नहीं,
जस्ट बॉर्न बेबी मतलब सिर्फ 3 महीने का बच्चा हो, मेरा कोर्स सीख गया। थियरी कंप्लीट, डीवीडीज कंप्लीट, प्रैक्टिकल अभी मेरे पास सीख रहा है। ये लोकल का ये बंदा है बैंगलोर का, तो वो आते रहता है, कोई ऑब्जेक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। मैं बोला कर, गया तो गया बोर्ड, डर बाहर जाएगा पहले, तेल लेने गया, मैं हूँ तेरे पीछे कर करके बोला। 1 घंटा वो पूरा टेस्ट कर लिया, इधर से उधर उधर से इधर, फुल परेशान टेंशन में बैठा है। तो मैं जब साथ में बैठा, बाद में उसको प्रोसीजर भी सिखाया, तो पूरा मैंने जो प्रोसीजर बताया उसने उसे फॉलो कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको केस सॉल्व किया, वो बहुत खुश हुआ। ये अराउंड करीब 9:30 बजे था, 9:30। वो बोला सर 9:30 तक मैं रुका हूँ, मैं कुछ ज़रूर बहुत अच्छा चीज़ सीखा करके। तो वही केस स्टडी इंशाल्लाह आज वीडियो में पोस्ट करूँगा। तो दूसरे तरीका केस स्टडी जो यूट्यूब में आता है, जो हम बच्चों के साथ लाइव करते हैं, जैसे कि यूट्यूब में मैंने लाइव केस स्टडी किया था, 2-3 लाइव बच्चों के साथ क्लास लेते लेते, और आज भी मैंने प्रैक्टिकल वर्कशॉप में बच्चों के साथ लाइव किया, तो उसी केस स्टडी को आपको मैं दिखाऊंगा। तो शायद आपके टेबल पे सेम प्रॉब्लम आ गया तो आपको सोल्यूशन मिल गया। तो पिछले वीडियोस में भी मेरे को बच्चे फोन किए और बताया सर आपने जो तरीका बताया और डायोड का, उसके वजह से मेरा केस सॉल्व हुआ सर, एक करके बोला। मैं बोला ये होता है हुनर, बच्चों के हाथ में ऐसा देना जिससे वो इनकैश कर सकता है। उनका मकसद वही है ना, दाल रोटी कमाना है, इस हुनर को आते क्यों है, पैसे गंवाने के लिए नहीं। गवाना तो कहीं भी गवाते ना, वो जाके कॉलेज पढ़ता था, पीयूसी पढ़ता, डिग्री पढ़ता, इंजीनियरिंग पढ़ता, डॉक्टर पढ़ता। नहीं, आज खेती बाड़ी करने वाला भी इंजीनियरिंग करना चाहता है, लैपटॉप रिपेयरिंग करना चाहता है। 4,000 सैलरी वाले लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं। सोचो 5,000 वाले, वो छोटा छोटा पैसा जमा के कैसे आपके पास आके सीख रहे होंगे। क्या आप मकसद लेके आ रहे हैं कि वो फ्यूचर में कोई ऐसा बोर्ड आ गया तो एसओसी हो, कुछ भी हो, डर बाहर निकलना। आज ही मेरे को इंक्वायरी आता है, लेटेस्ट जनरेशन एसओसी सिखाते हैं क्या? मैं बोलता हूँ एसओसी आज तक किसी ने रिपेयर किया है क्या? सीपीयू को बोर्ड रिपेयर करता है, सीपीयू कौन रिपेयर किया? उसकी अम्मा की कसम किसी ने रिपेयर नहीं किया आज तक। तो मैं बोलता हूँ जा भाई जा, जहाँ सीखना है सीखने, मेरे पास वो तरीका नहीं है। एसओसी को तोड़ के वापस मोड़ने का हम फर्नीचर का काम नहीं करते करके बोला, हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं, इंजीनियर हैं करके बोला। खैर, तो YouTube में दो तरीका केस स्टडी, एक मैनिपुलेटेड, मैं चाहे तो 100 केस स्टडी डाल के पोस्ट करके 1 साल का एडवांस में 365 डाल के डेली एक 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 आने के जैसा कर सकता हूँ। ये टिकटॉक नहीं है YouTube का, एक एक सेकंड का वीडियो, ये आपका इंस्टाग्राम का रील नहीं है कि रोज एक 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 डाले। ठीक है, लैपटॉप के प्रोफेशन में पूरे इंडिया में बहुत कम इंजीनियर्स हैं, समझो एक 500 पकड़ के चलो, 1,000 पकड़ के चलो, ठीक है, तो फॉलोअर्स भी तुम्हारा 1,000 ही रहेंगे। टिकटॉक के जैसा 1 मिलियन फॉलोअर्स है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है, यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स है, या तुम्हारा रील के फॉलोअर्स, वैसे फॉलोअर्स नहीं रहते। तो हमारे को जो भी फिल्टर करके सिखाना है ना, गिने चिने 200-300 बच्चों को ही सिखाना है। तो कोशिश करो जो भी दे रहे हैं पतंजलि वीडियो से अच्छा अच्छा क्वालिटी केस स्टडी डालो, ठीक है। और केस स्टडी करना है तो बच्चों के साथ, बच्चों का बोर्ड लेके उनके साथ लाइव बैठ के उनका केस को लाइव करके दिखाओ, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा दे रहे हैं। तो ये हो गया बच्चे के सवाल का जवाब, सर आप रेगुलर केस स्टडी नहीं डालता। और हम झूठ नहीं डालते, झूठ की सपोर्ट हमारे को नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे को कोई चीज़ झूठ का सहारा नहीं चाहिए, जो भी है सच। और मेरे बाद जो बच्चे जो सीखते हैं वो मेरा तरीका सीखते हैं, करेक्ट। अगर मैं झूठ से दुनिया चलाया तो वो भी झूठ सीख के आगे जाएंगे, अगर मैं सच की दुनिया सिखाऊंगा वो भी सच सीख के आगे जाएंगे। तो बच्चों का सवाल जवाब दे दिया, वो बच्चा साइलेंट हो गया, फिर कभी नहीं पूछा। तो बोला सर जब आप केस स्टडी डालेंगे इंशाल्लाह किसका देखूंगा नहीं देखूंगा, लेकिन आपका वीडियो जरूर देखूंगा बोला। एक तो मेरे AFS के स्टूडेंट है, तो बहुत लोग वीडियोस नहीं देखते, वो बोला मैं हर वीडियो आपका देखूंगा सर, जो भी काम है रोक के मैं देखूंगा बोला, वादा बोला। खैर, अभी आता है दो सबक, एक जिंदगी का एक हुनर का, एक इलम एक हुनर। दुनिया में जितने भी इंसान है, जितने भी इंसान
पहले इंसान आदम आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक, द डे ऑफ जजमेंट तक, कोई भी इंसान पैदा हुआ था, आज है या फ्यूचर में पैदा होगा, हर इंसान परेशान रहेगा, परेशान है, परेशान था। तो इस चीज में तीन चीज आता है इंसान का। ये मेरी बात को सुनना ब्रदर, गौर से सुनना, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। इंसान बीमारी से परेशान रहता है, इंसान अपनी उधारी से परेशान रहता है, इंसान अपनी परेशानी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान रहता है। ये तीनों चीज मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, परेशानी, उधारी और कर्जदारी, उधारी, बीमारी और परेशानी, तीन चीज। अब पहले को बोलता हूं मैं, जैसे कि बीमारी। बीमारी किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई इलाज नहीं कर सकता। उससे ज्यादा क्या करेगा वो, तुम्हारे से परहेज करेगा, दूर जाएगा। अरे जैसे कि कोविड में देखो, परसों एक बच्चा बोल रहा था मेरे को, सर इस बार कोविड, पिछले फर्स्ट कोविड में देखा मैंने, बेटा बाप को खांदा देने के लिए तैयार नहीं है। वैसा माहौल आ जाएगा, मतलब आदमी दूर हो जाएगा। तो कोई भी बीमारी हो, किसी को बोलो, क्या है, तुम्हारे से दूर होगा। और दूसरे को बताए, जैसे कि तुम्हारे को शुगर है, खांसी है, सर्दी है, कोई भी इनफरादी पर्सनल बीमारी है, किसी को बताना नहीं। बताया, एक तो तुम्हारे को गिरा के बात करेगा, दूसरा तुम्हारे को 100 YouTube का डिक्शनरी का आपको नुस्खा बताएगा, ये करो वो करो करके, जिससे वो खुद डॉक्टर तो नहीं है। तो जो बीमारी है ना, सिर्फ अपने खुदा भगवान को बताना, अल्लाह से बात करना, क्योंकि सिर्फ भगवान का, अल्लाह के खजाने में है कि तुम्हारे को कोई भी दुनिया का बीमारी हो, वो तुम्हारे को शिफा दे सकता है, वो तुम्हारे को इलाज दे सकता है। जब वो तुम्हारे को दे सकता है, दूसरों को बताने में क्या बता फायदा। तो उसको छपा के रखना बीमारी को, किसी को बतानी, सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बोलना। मेरे को भी ये तजुर्बा है, जब मैं HCL में काम करता था तो मेरे को माइग्रेन था, तो हमारे जो कोलिग्स थे आते, अरे रफी को माइग्रेन है रे, कभी भी सिर में दर्द है, कभी भी टेंशन है, काम कर तो ये इलाज कर, किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे को मिलाते हैं, मिला के बोलते हैं इसको माइग्रेन है रे, क्या आ रहा है, इसको कोई दवा बोल, कहीं हॉस्पिटल को बता करके। हर बार मेरे को गिल्टी फील करता, यार मेरा माइग्रेन क्या है। खुद उसी कंपनी का मार्केटिंग से मेरे को टेंशन से आया, और वही मेरे को गिरा के सामने बात करते थे। उनके कोई रिलेशन से मिला है, वहाँ भी वही चीज, इसको माइग्रेन है, कभी भी टेंशन है, परेशान है, ये है वो है। बहुत अफसोस होता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ दिन मेरे को याद आते हैं, आज वो चीज़ को मैं लाइफ में बदलाव ला गया। तो पहला यार, जिंदगी में सबक रखो, बीमारी किसी को बताना नहीं, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। डॉक्टर दवा दे सकता है लेकिन शिफा नहीं, ठीक है। दूसरा, आपकी उधारी, उधारी भी होता किसी को बताना नहीं, बताया तुम्हारे से दूर हो जाएगा। छोटा मोटा हेल्प कर सकता है, छोटा मोटा जितना हुआ, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 गया, उसकी कैपेसिटी कितना है किया उसने। अगर तुम्हारी उधारी ज्यादा हो गई ना, एक तो तुम्हारे से दूर जाएगा, तुम्हारे अच्छे हालत रहेंगे तो तुम्हारे अच्छे दिन रहेंगे, जिससे आप उसका पैसा वापस भी दे सकता है, लेकिन वो तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे एक उधारी का शैतान है। इसमें भी दोस्तों में तुम्हारी इज्जत जाएगी, रिश्तेदारों में तुम्हारी इज्जत जाएगी, पड़ोसी में तुम्हारी इज्जत जाएगी, तो उधारी के बारे में बोल के फायदा क्या? हाँ, एक आदमी को बोल सकते हैं, वो है ऊपर वाला अल्लाह, अपने भगवान को बोलो, जिसको भी आप मानते हो, हिंदू भगवान को मानो, क्रिश्चियन ईसा को मानो, क्राइस्ट को, मुस्लिम अल्लाह को मानो, जो अपने यकीन से मानते हो, ऊपर वाले को मानो, इंशाअल्लाह उसके खजाना, जो ट्रेजरी है,
उसके खजाने से अगर मदद मिली है ना, ये दुनिया में कितना भी उधार वाला रहने दो, कितना भी अरब 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 करोड़पति भी रहने दो, उधारी उस सर के ऊपर फूक के बराबर उसकी गायब हो जाएगी। तो इंसान की परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के सामने। तो बीमारी बताया, दूसरा उधारी इंफरादी में, तीसरा है परेशानी। परेशानी में उसको बोलता हूं जो अपने घर के माहौल के अंदर रहता, ठीक है, चार दीवारी के माहौल के अंदर। तो ये परेशानी भी क्या है, किसी को बताना नहीं, लेकिन लेडीज टॉक, बैकों का लेडीज का क्या है, ज्यादा बात करते हैं वो, एक ही बात को चार बार बोलते हैं, एक अंदर भी बोलते हैं बाहर भी बोलते हैं। खैर, अपना कोई भी परेशानी है ना, किसी को बताना नहीं। बताने से क्या होता है, वो फैलना जो होगा फैलना होगा, फैला पूरे गांव को पता चल जाएगा और उनके लिए एक सब्जेक्ट बन जाएगा, तुम एक आज तक न्यूज जैसा बन जाएगा कि डेली तुम्हारे लिए एक न्यूज है। और उसके देख रहे हो, उसके घर में परेशानी है, कहते तुझे मालूम है उसके घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तुझे मालूम है क्या परेशानी। लेकिन उससे क्या हल होगा, नहीं, क्या होगा, वापस वही बेइज्जती रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसी में बेइज्जती, आपके दोस्तों में बेइज्जती। परेशानी का हल हुआ नहीं, उल्टा अकल देंगे, ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर, ये करना वो करना, सोल्यूशन नहीं। तो किसको बोलना, इसका हल भी एक ही ऊपर, अल्लाह से, भगवान से। अब जिसको भी पूजा मानता है उसको बोलना। तो वो जो इंफरादी पर्सनली मदद करेगा ना, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, तुम्हारे के लिए अपना प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। दुनिया में सबसे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो ना, उससे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम लगेगा, मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है करके लगेगा। तो अल्लाह के लिए उसको मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है प्रॉब्लम की, तो ऐसे फूक में उसको आसान कर देगा। तो ये तीन चीज है, बीमारी, परेशानी और उधारी। बस पेशेंस से इन 5 मिनट बैठना, इत्मीनान से बैठना और खुदा से बात करना और पूरा सुनाना तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, वो दिल खोल के पूरा कान लगा के बाजू आके तुम्हारे पास सुनेगा, मेरा बंदा क्या बोल रहा है करके। अगर सच्चे दिल से, सच्चा दिल मतलब यकीन के ऊपर वाला तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, चाहे वो बीमारी परेशानी या उधारी हो, अगर यकीन रखोगे तो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करके बोलेगा, और इंशाल्लाह तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा। क्यों, तुम यकीन रख रहे हो और उसको बोल रहे हो, चार दीवारी में बोल रहे हो, इंफ्रादीवारी। तो अल्लाह को, भगवान को अच्छा लगता है कि किसी को बोलने के से अच्छा है मैं इसको बनाया और मेरे को बोल रहा है करके। तो अल्लाह क्या करेगा, उसको उसकी जो ख्वाहिश है, उसको जो परेशानी, उसकी जो हाजत है, सब पूरा करेगा। तो मैं भी दुआ में इसीलिए बोलता हूँ, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आते हैं विकिपीडिया का, क्या क्या पता नहीं ठोकते हैं क्या भी नहीं, क्योंकि पहले मैं दुआ करके रहता हूँ सबको, सबको खैर आफियत दे, सबके साथ रहमत का मामला हो, सबके साथ बरकत का मामला हो, सबके साथ सुकून का मामला हो, सबके साथ सेहत का मामला हो, सबको दुआ कर चुका हूँ। तो नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट से कोई फायदा नहीं लगता। तो यह था जिंदगी का सबक। और जो इलम है, जो केस स्टडी है, इंशाल्लाह केस स्टडीज डालूंगा। तो ब्रदर्स, मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल का काम क्या है, वो सही भी डेली प्रमोट करते हैं, गलत को भी डेली प्रमोट करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है क्या देखना, उनका टीआरपी चाहिए उनको। तो ये एफएस सॉल्यूशन का जो यूट्यूब चैनल है वो एक न्यूज़ चैनल नहीं है, गोदी मीडिया जो बोलते हैं वैसा न्यूज़ चैनल नहीं है, सही गलत लेफ्ट एंड राइट देखना, हम सच्चा केस स्टडी डालते हैं। तो आज भी इसको ठोक के बोलता हूँ, इस बोर्ड का ना स्केमेटिक है ना बोर्ड व्यू है, देखो ये बेंड भी हो गया, कोई टेंशन नहीं, इसके सीपीयू जिंदा है, इसकी अम्मा की कसम रिपेयर होगा। बच्चे आजकल मेरे स्टूडेंट्स ग्रुप में केस स्टडी डालते हैं, सर बोर्ड रिपेयर हुआ, चिपसेट जिंदा था, इसकी अम्मा की कसम रेडी हुआ वो भी मेरे जैसा बात करना, केस स्टडी डालना सीख गए और बोलते रहते हैं माशाल्लाह, ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। खैर, हम केस स्टडी के ऊपर आते हैं। केस स्टडी से पहले
जैसे आप जानते हैं कि मैं रिसेंटली प्रमोशन किया था, जितने भी लोग इसको परचेस किए उसका मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे पास इंटेल का ऑनबोर्ड ग्राफिक कन्वर्शन परचेस किया, इंटेल एंड एएमडी। जो EFA स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 419 में परचेस किया, जो अदर्स है 1000 में परचेस किया। इसके बाद मैंने रिलीज किया ऑनबोर्ड रैम डिसेबल। ऑनबोर्ड रैम डिसेबल भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने खरीदा, बहुत लोगों ने बंडल ऑफर में खरीदा, बंडल ऑफर में 1499 में खरीदा, इन सबको मिला। अभी हमारा ये पूरा EFS डिजिटल दुनिया को जाता है, ठीक है। ये EFS का कमाई नहीं है, EFS के गरीब बच्चों का कमाई है, EFS के जो मेहनत करते हैं उनका कमाई है। ये EFS के लिए, EFS के नाम के लिए जो मेहनत करते हैं उनका कमाई है, ठीक है। EFS का कमाई नहीं है, ये उनको देते हैं हम। मेहनत करो, एक एक चीज़ है, एडिटिंग करना है, वीडियो करने में उसको एक एक महीना लगता है, दो दो महीना लगता है, एक बार में लगता है। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट आया था एप्पल का ग्राफिक कन्वर्शन। दो बंडल ऑफर मैंने लॉन्च किया है 1499 में, अल्हम्दुलिल्लाह सबने खरीदा है। तो रिसेंटली मेरे बच्चे ने एक चार मॉडल का एप्पल मतलब मैकबुक डिस्क्रीट टू मा कन्वर्शन डेटा इसने बना के दिया है फॉर EFA स्टूडेंट्स 2999। मैक क्यों इतना कॉस्टली है करके मेरे को पूछते हैं। यार मैक एक ग्राफिक कन्वर्शन करेगा तुम 8000 रुपये छापेगा, ठीक है। और ये मॉडल 1398 कहीं भी अवेलेबल नहीं है, डेटा 2012 रेटिना, मतलब अवेलेबल नहीं, मतलब आई एम नॉट द सोल ओनर। ये मार्केट में अवेलेबल है, अदर सोर्सेज में अवेलेबल है, लेकिन ओपन सोर्स में ये इतना ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मैक का एक बोर्ड भी आप रिजल्ट लेकर आएंगे, आप 8000 रुपये कमा रहे हो, तो 5000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ एन लाइफ टाइम असेट। लेने वाला पब्लिक वेलकम, नहीं लेने वाला एक कम। हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, मेरे स्टेटस में डालूंगा। किसी को भी इंटरेस्ट है कोई भी परचेस करने का, मेरे नंबर पे UPI ID है 9663011022। मेरा UPI ID है, गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। और रिसेंटली एक और लॉन्च किया हमने CD3301। ये डेल मॉडल्स में आता है, डेल में डॉकिंग को बाईपास करते हैं। अराउंड 40 मॉडल्स टेस्टेड डेटा है, 40 मॉडल्स। तो उसके वजह 5000 रुपीज दे रहा है। फॉर AFA स्टूडेंट्स इट्स ओनली 2000 रुपीज। एक IC समझो आपको लग रहा है 150 रुपया, कितना रेट है मेरे को तो मालूम नहीं, 200 हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। लेकिन दूसरा लैपटॉप आएगा वही IC गया, फिर आपने 150 रुपये इन्वेस्ट किया, या आपकी गलती से सेम बोर्ड में दो IC लग गए तो 300 ऑलरेडी इधर उड़ा। मैं 40 ICs का, 40 मॉडल्स का इस IC को सेव करने का डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। शायद आपका लैपटॉप में काम आ जाए, डॉकिंग स्टेशन में काम आता है ये IC, डेल मदरबोर्ड्स में इसको बाईपास करने का। हेल्प हुआ तो ले लो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। नेक्स्ट आज हमारा केस स्टडी है LAH329P। अभी हम स्टार्ट करेंगे इस मदरबोर्ड का H329P। 30 मिली सेकेंड, जैसे आप देखते हैं मेरा DC पावर सप्लाई 21 में सेट है। हर लेटेस्ट मदरबोर्ड में हमारे को 21 चाहिए। बहुत से वीडियोस में बताया है 22 दे सकते हैं, 22 में भी आपका बोर्ड्स ऑन होता है लेनोवो में। ये हमारा HP का मदरबोर्ड है, तो 30 मिली सेकेंड पहले ऑन करूँगा। ये मैंने DC जैक कनेक्टेड किया है, DC लाइट ऑन होना है, ठीक है। सो 30 मिली सेकेंड ऑन ऑफ, वन डिजिट दिखाया, अगेन ऑन ऑफ, टू डिजिट, मेरा बोर्ड रुका है अभी 2 डिजिट में। 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को ऑन करेंगे। यहाँ मेरा ऑन ऑफ स्विच है इस कॉर्नर में, यहाँ मेरा ऑन ऑफ स्विच है, पावर बटन दबा रहा हूँ लेकिन बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा बेसिक स्टेप्स क्या करना है इसको हम देखेंगे। उससे पहले इस साइड में कोई भी कॉइल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम जाएंगे इस साइड में। मैंने रखा मल्टीमीटर, रेड प्रोब इन ग्राउंड,
और फर्स्ट देखा में बायोस पिन नंबर 8, 3 डिजिट पास। नेक्स्ट बैटरी सेक्शन 3 डिजिट पास। रैम के पास एक कॉइल लगाया है 54, जैसे रैम को निकालूंगा मैं, अगर रीडिंग चेंज हुआ, इसका मतलब रैम कॉइल कंफर्म 3 डिजिट। नेक्स्ट यहाँ दो कॉइल लगा है, मतलब सीपीयू के नज़दीक है, मतलब ये कोर सेक्शन 3 डिजिट, 3 डिजिट, नेक्स्ट कॉइल 3 डिजिट, नेक्स्ट कॉइल 3 डिजिट। ये सब कॉइल जितना भी हमने देखा, पास 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 पास। इस कॉइल से बैटरी के पॉजिटिव को चेक करते हैं, कंटिन्यूटी मिला, मतलब ये बैटरी कॉइल, ये भी पास, क्योंकि ये मेरे को 3 डिजिट दिखा रहा है, देखिए 3 डिजिट पास। अभी मेरे बोर्ड में बचा दो कॉइल, तो इसको भी चेक कर लेंगे, कॉइल नंबर 1 3 डिजिट, कॉइल नंबर 2 3 डिजिट पास, ये भी पास हो गया। बच्चा क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, हम देखते हैं इसका सीएलआर पैड। यहाँ दो सीएलआर पैड लगा हुआ है, शायद आपको नहीं दिखेगा, 3 डिजिट 500 चिल्लर पास, एक और 500 चिल्लर पास, मतलब सीएलआर भी पास। क्या फॉल्ट हो सकता है, ये बिल्कुल नया मदरबोर्ड है, इसमें कोई स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं कहीं भी, इसका बोर्ड भी अवेलेबल नहीं, लेकिन बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वोल्टेज सीक्वेंस में हमको सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका, जहां मेरा वैल्यू दिख रहा है, हम क्या करेंगे इसको अभी वोल्टेज में चेक करेंगे, आरटीसी को ऑन किया, छोड़ा हूं मैं, कोई वोल्टेज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूं, कोई वोल्टेज नहीं, इसका मतलब एलडीओ नहीं आ रहा है। ये 2 डिजिट क्या वीन को पास कर रहा है, ये भी मेरे लिए कंफ्यूजन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑन करके कौन से कॉइल्स में वैल्यू वोल्टेज अवेलेबल है करके चेक करेंगे। ये कॉइल नो वोल्टेज, बैटरी 1 वोल्ट अवेलेबल, गुड न्यूज, बैटरी का कॉइल में 1 वोल्ट अवेलेबल, मतलब एक ही कॉइल है जिसमें हमारे को वोल्टेज आ रहा है। इस कॉइल में नो वोल्टेज, इस कॉइल में नो वोल्टेज, इस कॉइल में नो वोल्टेज, ये पूरे कोर सेक्शन के पास आ रहे हैं। ये समझो इसको 1 वोल्ट लेते हैं, सीपीयू कोर, जीएफएक्स कोर, कुछ भी ले लीजिए, बाकी ये दोनों कॉइल अवेलेबल हैं, इसका वोल्टेज चेक करते हैं, नो वोल्टेज, ये दोनों चेक करते हैं, नो वोल्टेज। इसमें जो छोटा कॉइल है, ध्यान से देखिए, इसमें जो छोटा कॉइल है ये 3 वोल्ट के लिए है, बड़ा कॉइल 5 वोल्ट के लिए माना जाता है, तो इसको भी चेक करते हैं, नो वोल्टेज, नो वोल्टेज। चलो माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ, या तो इधर एक इंडक्टर लगा हुआ है 3 वोल्ट के पास, चेक करेंगे। इस इंडक्टर के पास मेरे को मिल रहा है 900 मिली वोल्ट्स, इसका मतलब है बोर्ड में वीन है 900 मिली वोल्ट्स। मेरे को कितना आना चाहिए, 21 वोल्ट्स आना चाहिए, फिर ये मेरे लिए कंफ्यूज कर रहा है। सिंपल आंसर, वीन पास नहीं हो रहा है, लेकिन स्कीमेटिक नहीं है, कैसे पकड़ना, कैसे पकड़ना। डेफिनेटली ये बोर्ड आपके पास आएगा, आपको कंफ्यूज होगा इसका वीन कहाँ पास हो रहा है करके, क्योंकि डीसी जैक का सेक्शन इधर है और इस बोर्ड में कहीं भी सीएलआर अवेलेबल नहीं है, लेकिन चार्जिंग आईसी के पास यहाँ एक सीएलआर अवेलेबल है। ठीक है, एक सीएलआर, इस सीएलआर पे रखते हैं हम, 20 वोल्ट्स आया, गुड न्यूज, मतलब फर्स्ट मॉसफेट से 20 वोल्ट्स आ रहा है, लेकिन सीएलआर पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड के बैक साइड जाएंगे, बैक साइड में एक सेक्शन लगा हुआ है, ओनली 1 सेक्शन। ठीक है, तो इधर टोटल 3 मॉसफेट्स लगा है और 2 सीएलआर लगा है, तो बेटर मैं इसको आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा, माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा तो तुम्हारे को ये चीज बहुत आसान से समझ में आएगा। ओके, देखिए माइक्रोस्कोप में क्या है, हमारे को दिख रहा है इधर, मल्टीमीटर रखो, ये मेरा पिन नंबर इनपुट है 21 वोल्ट्स, इसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए आउटपुट कोई वोल्टेज नहीं है। नेक्स्ट इसका आउटपुट कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये मेरा सीएल आ रहा है, तो ये मेरा डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। ठीक है,
सो वेरी सिंपल फ्लो है, ये यहाँ से फ्लो हो रहा है वोल्टेज, यहाँ से फ्लो हो रहा है वोल्टेज, और यहाँ से फ्लो हो रहा है वोल्टेज, और यहाँ से फ्लो हो रहा है वोल्टेज। तो ये कौन सा मॉसफेट है करके समझेंगे। सो डीसी को हाफ करो, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखो, सोर्स में रेड प्रोब रखेंगे, रेड प्रोब सोर्स वैल्यू मतलब एन चैनल, एन चैनल मतलब एनोडेड सोर्स, या ऐसे पार हुआ। मतलब मेरा जो वी इन जा रहा है 20 वोल्ट्स, वो यहां जाके स्टॉपर में रुक गया। इसका मतलब है जब तक इसको कोई परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एन चैनल है, जब तक इसको परमिशन नहीं मिलेगा 24 वोल्ट्स पकड़ के चलते हैं। परमिशन नहीं मिलेगा 24 वोल्ट्स, ये वोल्टेज को इधर पार नहीं करेगा। तो नेक्स्ट मॉसफेट देखते हैं, रेड प्रोब एट सोर्स, वैल्यू चेक करो, वैल्यू आ रहा है मतलब एनोड एट सोर्स, ये इस तरह से है। मतलब ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड बायस जा रहा है और CMSRC का कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, तो ये हुआ मेरा CLR। सो नेक्स्ट मॉसफेट लगा है यहाँ, इसको भी हम चेक करते हैं। ये है हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट, ये भी एन चैनल मतलब एनोड एट सोर्स, इस तरह से। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगा, फॉर टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग पर्पस क्या करूँगा, फर्स्ट मॉसफेट को मैं ट्वीज़र में शॉर्ट करूँगा। अगर ट्वीज़र में शॉर्ट करके डीसी रीडिंग चेंज हुआ तो इसका मतलब मेरा वोल्टेज इधर पास हो रहा है करके, क्योंकि अभी हमारे पास CLR पे 1 वोल्ट आ रहा है। तो वी इन को डीसी को ऑन किया, 18 देखा आपने, 18 आ रहा है, और बोर्ड को पावर बटन दबाऊंगा, बोर्ड ऑन। तो इस केस में प्रॉब्लम है, मेरा वी इन पास नहीं हो रहा है। लेकिन क्या मेरा फर्स्ट मॉसफेट को मैं जंपर मारने से केस सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। रीजन बहुत ध्यान से सुनिए, रीजन क्या है करके। अगर मैंने यहां से वोल्टेज पास किया तो ये वोल्टेज यहां जाएगा, विदाउट एनी परमिशन वोल्टेज जा रहा है। अगर ये पास किया तो यहां आके स्टॉपर हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी बैटरी से एक वोल्टेज आ रहा है, वो भी ये दोनों आके यहां, हमारे को चांसेस है कि ये यहां शॉर्ट होने का चांसेस है। तो हमारा प्रोटेक्शन नॉट अवेलेबल, क्यों, बाय डिफॉल्ट हम इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को किसी भी कंडीशन में इसको फॉरवर्ड बायस नहीं करना है, हमारे को परमिशन को एक्टिवेट करना है। क्या करना है, परमिशन को एक्टिवेट करना है। जब इसका परमिशन एक्टिव होगा, जब हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट का भी गेट एक्टिवेट होगा, तो तब क्या होगा, डिस्चार्जिंग मॉसफेट ऑफ होगा और हमारा जो फर्स्ट मॉसफेट है ये ऑन होगा। तो ये इसका डिसिप्लिन है। तो ये ऑफ रहना, ये ऑन रहना, ऑन रहने के लिए गेट पे वोल्टेज आना। तो हम चेक करेंगे गेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है। ऑन करो, इसका गेट का वोल्टेज चेक करते हैं, 72 मिली वोल्ट्स। डेफिनेटली ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये हुआ थियरी। मकसद क्या है, अभी मकसद अभी स्टार्ट होता है हमारा मकसद। मकसद क्या है हमारा, हमारा मकसद है उस CLR पे वोल्टेज को लेकर आके रुकाना, कितना अडाप्टर का वोल्टेज रुकाना। तो हॉफ करेंगे, स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, तो स्ट्रेस कैसे करना, क्या ट्रेस करना, कैसा ट्रेस करना, अभी लाएंगे हम सोचने का तरीका। सोचने का तरीका क्या है, कोई ना कोई क्लू ढूंढेंगे बोर्ड में। तो जैसे इस बोर्ड में कोई भी यहाँ सेक्शंस ICs अवेलेबल नहीं है, हमने देखा कि ये मॉसफेट है, यहाँ एक IC अवेलेबल है, तो ये ऑडियो का IC है, ये तो ये IC काउंटेबल नहीं है, ऑडियो का IC। तो जितना भी IC लगा हुआ है इस लेयर के ऊपर लगा हुआ है,
तो हमारे को जो भी सॉल्व करना है इस लेयर पे सॉल्व करना। तो हम मैं क्या करूँगा, अभी माइक्रोस्कोप में आपको हर आईसी दिखाऊंगा और हम सोचेंगे कि शायद हमारे को कोई क्लू मिल रहा है क्या। तो फर्स्ट मैं लेकर जा रहा हूं आपको रैम सेक्शन के पास, जो कॉइल लगा हुआ है यहां, एक आईसी लगा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूं कॉइल के पास का आईसी, ठीक है। ये सब ड्यूअल मॉस्फेट है ब्रदर, जितना भी आपको यहां दिख रहा है ये सब ड्यूअल मॉस्फेट है, ये ड्यूअल मॉस्फेट है, एक आईसी, एक ड्यूअल मॉस्फेट, एक इंडक्टर, ओके। सो इस आईसी को देखेंगे जूम करके, कोई क्लू मिला, WC6H अजीब ऐसी है, 5615B, शायद यह ऐसी हमने नहीं देखा है, या देखा होगा तो पता नहीं। और थोड़ा आगे जाएंगे, इसके पास यहाँ क्रिस्टल लगा हुआ है, रियल टेक मतलब लैन ऐसी। और थोड़ा आगे जाएंगे, मैं बैटरी कनेक्टर के पास जा रहा हूँ, ये हमारा बायोस चिप है MX XMC, बायोस को छेड़ना नहीं ब्रदर, हमारे को सिर्फ कहाँ से काम शुरू करना है इसको चेक करना है, KB9025QD। और थोड़ा आगे जाएंगे इस आईसी के पास, ML इज इक्वल टू, एक आईसी मिला, एक ML आईसी, इसको भी हमने नहीं देखा है। यहाँ कोर सेक्शन के पास एक आईसी दिख रहा है, इसको देखते हैं, 8D इज इक्वल टू, ये एडवांस बोर्ड है, और यहाँ एक आईसी मिल रहा है, ये WV, हाँ ये आईसी देखा है स्टैंड बाय सेक्शन में। और थोड़ा ये 5 वोल्ट्स का आईसी है, ओके, 8TX। और थोड़ा इधर आएंगे, ये मेरे को दिखा रहा है DC to DC। और थोड़ा नीचे आएंगे, BQ735, BQ24735, अच्छा, हाँ, जब हमारे को BQ का वर्ड मिलता है हमारे को थोड़ा तसल्ली मिलता है, ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट होगा। क्यों, आज तक हमने क्या है, BQ हर IC में दिखा है, फर्स्ट जनरेशन हो या SOC हो, हैजवेल हो, ब्रॉडवेल हो, उसमें पूरा देखा है BQ24735, ये मेरा IC है, डन। शायद इसको पकड़ के मैं वी इन को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री में चार्जिंग IC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो इसका स्कीमेटिक नहीं है तो मेरे को क्या करना, वेरी सिंपल, BQ24735 हमारा सेडार बोर्ड में भी आता है, तो हम जाएंगे सेडार बोर्ड 13269, ये चला मेरा सेडार बोर्ड, स्कीमेटिक ओपन करो, यहाँ देखो, यहाँ भी आपको एक चीज सिखाता हूँ, HPA0224 मतलब दिस इज अ कंपैटिबल IC ऑफ BQ24735, अच्छा, शायद हम देखेंगे कोई इमेज है क्या, नहीं है, मेरे पास इमेज नहीं है, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं HD इमेज में, ठीक है। तो इस IC के प्रिंसिपल में शायद हम इस बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑन फर्स्ट पिन नंबर 20 हम चेक करेंगे, सो सीधा हम पिन नंबर 20 पे चेक करेंगे इसका वोल्टेज कितना आ रहा है करके। ये चला मेरा मल्टीमीटर, माइक्रोस्कोप को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं और डायरेक्ट पिन नंबर 20 को चेक करेंगे। सो पिन नंबर 20 हम जानते हैं कि 5 4 20, और यहां एक रजिस्टर है, तो ये मेरा पिन नंबर 20 है यहां, तो तभी हमने चेक कर लिया, यहां 20 वोल्ट ऑलरेडी आ रहा है, देखा आपने 20 वोल्ट पास, डन। उसके बाद क्या है करके देखते हैं, फर्स्ट मॉस्फेट को ड्राइव करने के लिए AC ड्राइव चाहिए, ठीक है,
एसी, ओके, एसी ड्राइव कहाँ है, फर्स्ट मॉस्फेट, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये पी चैनल का कॉन्सेप्ट है, पी चैनल कॉन्सेप्ट में एसी ड्राइव नहीं रहेगा, ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सेकेंड पॉइंट, आफ्टर वीसीसी हमारा एसी डायरेक्ट है, एसी डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मेरा डीसी 21 वोल्ट्स है अपर रजिस्टर, और लोअर रजिस्टर है 47 के, तो कैलकुलेट किया तो मेरे को 2.77 या 2.8 वोल्ट्स आना चाहिए। ओके, 2.8 वोल्ट्स आना चाहिए। पिन नंबर 6, तो यहाँ से यहाँ पिन नंबर 5 हुआ, ये मेरा पिन नंबर 6 है, ये मेरा टेस्टिंग पॉइंट है। पिन नंबर 6 हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज कितना है करके, 3.1 वोल्ट्स। एज पर थियरी, ये मिला हमारा को क्लू, एज पर थियरी एसी डिटेक्ट करेक्ट, स्कीमेटिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एसी डिटेक्ट मेरे को चाहिए लेस देन 3 वोल्ट्स, मतलब मेरे को 2.4 चलेगा, 2.6 चलेगा, 2.7 चलेगा, 2.9 चलेगा, ठीक है। लेकिन 3.1 वोल्ट्स, 3.2 वोल्ट्स, ये मेरे को नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब मेरे को क्या है, इस सेक्शन को यहां लाके रुकाना है। आप सबने देखा होगा, क्या हम वॉल्यूम कंट्रोल टीवी में सब यूज करते थे, मैनुअल वॉल्यूम कंट्रोल, उसी तरह हम हमारा मल्टी डीसी पावर सप्लाई का वॉल्यूम कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसको हम रिड्यूस करेंगे 19 वोल्ट्स को, डीसी को सेट करेंगे 19। अभी 19 वोल्ट सेट किया तो एक्चुअल फॉर्मूला में कितना आ रहा है, 30947। टू पॉइंट फाइव वोल्ट आना चाहिए करेक्ट। तो 19 वोल्ट को हम सेट करेंगे और यहां चेक करेंगे कितना आ रहा है करके, टू पॉइंट एट वोल्ट, और मेरा डीसी चेंज हुआ। देखिए ध्यान से, सोचने का तरीका बदला, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी, ये भी मेरा इन्वेंशन है, ये ग्रेविटी मेरा नहीं रुक रहा है। लेकिन यहां इंस्टेड ऑफ 2.5 वोल्ट्स मेरे को दिखा रहा है 2.67, अगर मैं राउंड फिगर करूंगा 2.9 वोल्ट्स है एक्चुअली, ये 2.9 वोल्ट्स, एज पर द फॉर्मूला मेरे को आना चाहिए 2.5 वोल्ट्स, मतलब अभी भी मुझे 0.4 वोल्ट्स ज्यादा आ रहा है। सो दिस इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर्स मेरे पास प्रॉब्लम कर रहे हैं, वेरी सिंपल, ये ग्रेविटी भी इसीलिए नहीं रुक रहा है। तो हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्क्रैप बोर्ड, जैसे कि मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड अवेलेबल है एनएम सीरीज का, एनएम ये 273 का मदरबोर्ड है, ये बच्चों के साथ लाइव किया इसीलिए, तो NM273 ये मेरा चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ हमारे को मिलेगा सेम पिन नंबर 6 का रजिस्टर्स, एक पुल अप रजिस्टर, एक पुल डाउन, मतलब ये हमारा कौन सा पुल अप और कौन सा पुल डाउन रजिस्टर करके पकड़ना। तो डायोड मोड में सेट करो और चेक करो, अगर इस रजिस्टर पॉइंट पे वैल्यू आ रहा है तो ये वीन है, इस रजिस्टर के इस पॉइंट में चेक करो ग्राउंड है, मतलब ये लोअर रजिस्टर है, ये अपर रजिस्टर है, ठीक है। पुल अप लिखो क्या तो भी लिखो मियाँ, मकसद है इधर वीन आना, मकसद है इधर क्या आना, ग्राउंड आना, दोनों मिला के मेरे को वोल्टेज डिवाइडर 2.7 वोल्ट आना। इतना मैं करूँगा इंशाल्लाह शायद एक केस सॉल्व हो जाएगा। और जम्पर स्टार्टिंग में हमने जो किया ट्वीज़र में, वो एक ट्रिक था,
ये क्लू है, अभी जो करेंगे वो सल्यूशन है, ठीक है। तो इसी बोर्ड से मैंने दो रजिस्टर निकाल के इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। डीसी ऑफ, ब्लोअर सेट टू लो, ब्लोअर बहुत कम सेट कीजिए। रजिस्टर निकला, ये मैनिपुलेटेड केस स्टडी नहीं है ब्रदर, हमारा न्यूज़ चैनल का केस स्टडी नहीं है, ये बच्चों के साथ लाइव केस स्टडीज किया। और इन्होंने बोला इसीलिए इसको मैं शूट कर रहा हूँ। हमने कोई बायोस एडिटिंग नहीं किया, कोई सीपीयू को रिफ्लो नहीं किया। बस ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ये कम करो, ओके डन। डन। आपको रजिस्टर का वैल्यू क्या भी देखने का जरूरत नहीं, बस जो बोर्ड में पुल अप और पुल डाउन ग्राउंड वाला है उसको चेंज करना, इंशाल्लाह आपका केस सॉल्व है। ओके डन। अभी डीसी को हम क्या करेंगे, 21 वोल्ट्स में सेट करेंगे। सेट किया मैंने 21 वोल्ट्स को, और मैं प्रोब रख रहा हूँ इसी जगह, ध्यान से देखिए, इसी जगह रख रहा हूँ, शॉर्ट नहीं है। एज पर थियरी 2.7 वोल्ट आया, डीसी रीडिंग 21 में लॉक हुआ, और अडाप्टर आईडी लाइट भी ग्लो हुआ, ठीक है। ग्रेविटी अभी भी बाकी है, वो ओरिजिनल अडाप्टर को पूछ रहा है। इसका मतलब मेरा वीन पास हुआ विथ 21 वोल्ट्स। चलो इसको 22 वोल्ट सेट करते हैं। 22 वोल्ट सेट किया, ऑफ किया, ऑन किया, अभी भी मेरा रुका हुआ है। रिटर्न 5, डन, बोर्ड रेडी टू ट्रिगर, ठीक है। तो दिस ये था हमारा इस बोर्ड में असली प्रॉब्लम, एसी डिटेक्ट। पूरे बोर्ड में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, ना आरटीसी है, कुछ भी नहीं। चाहिए तो देखो, मैं आरटीसी का वोल्टेज भी आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह, जिंदा आरटीसी वोल्टेज जो मैं बता रहा था इस पॉइंट पे दो, ये भी जिंदा आरटीसी सॉल्व। बायोस पिन नंबर 8 दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ऑफ ऑन, आगे गया, वापस जाएगा, गया, इसका मतलब बोर्ड अच्छा है करके, ठीक है। ये तो हो गया मेरा
बोर्ड साल, तो अभी हम डिस्प्ले चेक करेंगे। लेकिन इस बोर्ड में क्या है, हमारे पास कहीं भी यूएसबी अवेलेबल नहीं है। एचडीएमआई है, सी टाइप अवेलेबल है, कहीं भी यूएसबी नहीं है चेकिंग के लिए। ये हमारा लैन है, यहाँ भी कोई यूएसबी कस्टमर ने नहीं दिया है। तो इसके लिए एक कनेक्टर आता है यूएसबी टू सी टाइप। आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को इसके अंदर डालना है, बस इसको यहाँ लगाना है सी टाइप में, और देखेंगे इंशाल्लाह अगर ये बोर्ड रेडी है तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इंशाल्लाह ये डिस्प्ले भी देगा। डिस्प्ले रीडिंग देखना है और इसको चेकमेट करना है। चेकमेट एफए सॉल्यूशन का इन्वेंशन है। ट्रिगर रिवर्स, बोर्ड को जाओ, ऑन किया, बोर्ड रेडी, ट्रिगर, यहाँ लाइट भी आ रहा है, यहाँ देखिए लाइट, वेट फॉर द डिस्प्ले। वेट करेंगे इंशाल्लाह डिस्प्ले आएगा। हज डन, आया डिस्प्ले अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखिए हमारा डिस्प्ले आया एंड द केस इज रेक्टिफाइड। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने वाले, और सोचने का तरीका आपने समझा, और दुआ करता हूँ आप भी इसे सीखेंगे और सबके जैसा आप भी आगे बढ़ेंगे। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और दो सबक सिखाए मैंने आज, प्रैक्टिकल केस स्टडी भी दिखाया और दुनिया का बीमारी परेशानी और उधारी किसी को नहीं बताना, ठीक है। दुआ में याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू ब्रदर्स।